और बच्चों के ड्रॉपआउट को कैसे रोके, इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रहलाद पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं और वहीं ये तस्वीरें बता दें, अक्सर छात्रों का ड्रॉपआउट देखा जाता है और बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट देखा गया है। बच्चों के ड्रॉपआउट कम करने के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो भोपाल में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, बच्चों का ड्रॉप आउट कम कैसे किया जाए, इस विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद, प्रहलाद पटेल उनके साथ मौजूद, अन्य गणमान्य मौजूद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानून को जी को वो आए और हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, सम्मान करें, साल भेंट करके, पौधा भेंट करके, तो ड्रॉपआउट बच्चों को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उनको सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल से सीधी तस्वीरें। बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर कार्यशाला का ये आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें भोपाल से। दीप प्रज्वलन हो चुका है, वहीं प्रहलाद सिंह पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद, उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने के विषय पर चर्चा हो सके, बातचीत हो सके। और इस पर देखिए, बच्चे काफ़ी ड्रॉप आउट कर जाते हैं और ऐसे भी उसको कैसे रोका जाए, इस विषय पर मंथन लंबे वक्त से चलता रहा है। हालांकि अब इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, मंच पर आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। तो भोपाल से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां क्षेत्रीय कार्यशाला का ये आयोजन किया गया है। फिलहाल आपको बता दें, बच्चों के ड्रॉपआउट को कम करने के विषय पर ये कार्यशाला का आयोजन किया है। भोपाल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बीच मंच पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, उसके बाद उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आपके हम दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। और ये काफी महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे बच्चों को ड्रॉप आउट करने से, स्कूल ड्रॉप करने से रोका जा सके। इस विषय पर गहन चर्चा और मंथन किया गया है। इसी को लेकर ये कार्यशाला का आयोजन पढ़ाया लिखाया, तक्षशिला में ले जाके रखा।
साथियों, बाल श्रम से, बाल दास्ता से मुक्त हुआ वो बालक जब चाणक्य जैसे शिक्षक का हाथ पाता है तो चंद्रगुप्त जैसा भारत का सम्राट ये भारत की सरकार। हमको बच्चों को पढ़ाना लिखाना, विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को पुनर्वासित करना, मैन स्ट्रीम करना, दुनिया में किसी और से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद इतने सशक्त। साथियों, 2014 में एक बड़ी शुरुआत भारत में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की बात पर संभाली और हमको जो विरासत में मिला, हमारी गौरवशाली अतीत की परंपराओं को गुलामी के दौर में बिठाने के बाद स्वतंत्रता से स्वतंत्रता में आने के भी 60-70 साल बाद तक हम अपनी परंपराओं के अनुसार शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त नहीं कर पा रहे थे। और इसका प्रमाण है कि 2011 के सेंसस का, जनगणना का जो डाटा 2014 में विरासत के रूप में मोदी सरकार को मिला था, वो 8.5 करोड़ बच्चे बताता था। जो 120 करोड़ की आबादी में 40% बच्चे हैं, 40 करोड़ में से 8 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल, शर्म आती थी डाटा देखा। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जो काम किया है वो ना भूतों ना भविष्य की आप लोगों के दम पर किया। ये आप लोग हैं जिनके दम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रिया गया इस देश में। ये आप लोग हैं जिनके दम पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन करने वाली जो भारत के पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भाषा के बैरियर को खत्म करके हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश का बच्चे का परिवार गुजरात जाता है मजदूरी करने के लिए तो गुजरात इस विमर्श कार्यक्रम तो वो प्राचार्य जो समस्या बताई
उस समस्या के बाद मैंने कभी कहा था कि कहीं ना कहीं हमको दो या तीन लोगों की कमेटी बनानी पड़ेगी जिस मनोविज्ञान को समझे, जिससे पिछली बार नहीं थी खाली बच्चों के मनोविज्ञान को समझे, उनको पढ़ाने वाले लोगों के मनोविज्ञान को भी समझे। कौन है जो बाल श्रमिक बन गए? बाल श्रमिक से तो वो नहीं बनते जो मजदूरों के बेटे हैं। दूसरी भी श्रेणी है जिनके माता पिता अच्छे संपन्न होते हैं लेकिन नशे के आदि होते हैं, उन बच्चों की स्थिति भी उससे बुरी होती है। अगर कोई अपराध में जेल चला जाए, उसके घर में कोई कमाने लायक ना हो, उसके बाद जो बच्चों की परिस्थिति होती है, ये तीसरी श्रेणी हो सकती है। मुझे लगता है कि समाज के इन आयामों को हमें गौर करना होगा और हमारी कानून की व्यवस्था में हमें कोई बदलाव न करने हैं तो हमें करने होंगे। मैंने जब समीक्षा की थी श्रम मंत्रालय की तो मैंने कहा कि बाल श्रमिकों के लिए या बाल अधिकारों के लिए हमारे पास कार्यक्रम नहीं है, क्या हम उनको चिन्हित नहीं कर सकते? कानून बनेगा, लेकिन जैसे रेमती ने कहा कि कानून में प्रावधान है कि हम जब अपने लेबर अधिकारियों के दो दिन का सेमिनार करेंगे तब हम आपको भी बुलाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्या हम नए सिरे से इसके लिए कोई बेहतर अभियान चला सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी तैयारी है, उस तैयारी में आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री, लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते हुए कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी हमारे अपने मंत्रिमंडल में श्रम तथा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम संभालता जिनने विस्तार से अपनी बात कही श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर प्रियंक कानून को भी अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल आयोग, आपकी भावना से हम सब अवगत हुए हैं, आपने विस्तार से बात कही। श्री रविन्द्र मोरे जी अध्यक्ष राज्य बाल आयोग, श्रीमती रूपाली बनर्जी और इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हम सब जानते हैं कि भारत का अपना चरित्र आदिकाल से, भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूंगा या विश्व गुरु का दर्जा उनको मिलेगा। जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। दोनों शब्द रू और रू का अर्थ निकालेंगे तो रू मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है युगों युगों से। कई सारे देश दुनिया में जो प्रभुसत्ता चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अपना दायरा अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कितनी उदार है जिसके दो दो शब्द में सारी बात कह जाती, जियो जीने दो। अब ये कितना सरल शब्द है जिसका अर्थ हम अपने आप में समझ सकते हैं, सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सभी के बारे में जो अच्छा हो सकता है। अब जब समग्र की बात करते तो हम सब जानते हैं कि उसमें बाल तो परमात्मा का आशीर्वाद, बालक की बात करते हैं तो बालक को हम भरत के रूप में देखते हैं जिसका चित्र हमारे लिए पूरे पुरुषार्थ और एक पराक्रम की तरफ ले जाने वाले मार्ग पर खड़ा कर देता है। और वह हर युग में देखो ऐसे कितना हमारा अच्छा उदात्त सांस्कृतिक चरित्र भी है, इतिहास भी। हम सब जानते भगवान राम के उस दौर को याद कर ले जब दशरथ जी से विश्वामित्र अपने उनके बालक मांगने आए। केवल कल्पना करो कि अगर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण नहीं जाते और राम जी के जाने बोलने देने के पहले जब दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मेरे से क्या मांग रहे हो वो सब दे दूंगा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम तो आपके बालक।
और बालकों के रूप में उन्हें उनका कितना उज्जवल भविष्य देखा होगा, उनका पराक्रम देखा होगा कि बालक जब घर से कदम बढ़ाते हैं और उनको चुनौती मिलती है, उनके गुरु उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं, तो हमारे स्वभाव को तो मारते ही मारते हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का झंडा गाते गाते धनुष्यंज तक जाते हैं और माता सीता को वरण करके ले गए। और वो काल हो या 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल हो, बालकों के पराक्रम से ही अपना देश का लोगों पुलकित आनंदित होता रहे। भगवान कृष्ण ने हंस को भले मार दिया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे आयोग का दूरदर्शी से आपने अतिथि ने सही कहा है। 11 साल की उम्र में कभी उसके पहले तो वो गए नहीं किसी आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा विद्या के लिए, लेकिन हमारा कोई और देश का इतिहास होगा कि कोई सत्ताधीश को हटाता तो सत्ताधीश को हटाने के बाद वो अपनी कुर्सी पाता है, लेकिन ये हमारे देश का इतिहास है कि सत्ता से बड़ी कुर्सी है, कुर्सी से बड़ी शिक्षा, और शिक्षा से व्यक्ति का समग्र जीवन ध्यान है। केवल कल्पना करें कि कंस के उस घटनाक्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आ, तो उनका विराट स्वरूप, वो पवित्र गीता, कदम कदम पे उनका जीवन का प्रत्येक एक एक घटनाक्रम, ये क्या इस प्रकार का बन सकता था? लेकिन ये शिक्षा का ही कमाल है, तो शिक्षा के कारण से भगवान का जीवन हम सब के लिए पाथे के रूप में काम आता, और शिक्षा का अनुशासन का भी उदाहरण दे रही है। शिक्षा में दक्ष व्यक्ति अपनी सेना भी रखेगा, तो सेना के अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बात रख रहे हैं। लोग अपन कहेंगे गीता किसके लिए कही है, तो कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं लोग कि गीता अर्जुन को युद्ध में उकसाने के लिए कही गई, भगवान के बारे में ऐसे मानने वाले भी, कोई युद्ध करना नहीं चाहता था लेकिन युद्ध करवा करके भगवान माने, ये भी एक पक्ष है, लेकिन ये पक्ष अधूरा। कोई गीता को या उस दृश्य को अगर थोड़े गहरे ढंग से देखेगा तो आप अंदाज लगाओ भगवान ने उस युद्ध में जितना अपना स्वयं का नुकसान उठा होगा उतना तो अर्जुन का भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता के माध्यम से अपनी आत्मा से शास्त्रार्थ किया। जब अपनी कोई व्यक्ति आज कल्पना करो हमारे यहाँ से कोई काम करने वाला सहायक हमारा, किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, किसी को खून निकल जाए तो हम द्रवित हो जाते। भगवान की पूरी सेना, छोटा सिपाही से लेकर बड़े से बड़ा सारे अधिकारी केवल आदेश से सामने कौरवों के पक्ष में खड़े थे, और वो जो तीर चल रहे थे वो तीर अर्जुन जो मार रहा था तो वो अर्जुन के तीर केवल अर्जुन के दुश्मनों को नहीं लग रहे, भगवान के सबसे वीर सेना नायकों को, सिपाही को। और ये भी अनुशासन का कितना बड़ा उदाहरण है कि उस पूरी सेना का एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी, कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं, केवल एक आदेश के सामने खड़े हुए वो सेना के सारे सूरवीर जिनने भगवान कृष्ण को युद्ध में बड़ी से बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा की। तो इतनी दक्ष सेना को रखने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती कि नहीं होती? अनुशासन के लिए जीना एक बार है, लेकिन जी करके जो उत्कृष्ट उदाहरण बनाते, मृत्यु कितनी बार आए, जन्म भी एक बार होता, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, और ये जन्म और मृत्यु के बीच में हाथों पर जो खिलने वाली उनकी मुस्कान, ये जीवन का सार जीवन देती है कि लोग अपने जीवन में ऐसा मान के चलते हर एक कोई अमर है, लेकिन अमर नहीं है, एक ना एक दिन मरना, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमसे जो अच्छे से अच्छा हो जाए वापस वही गुरु परंपरा पे ले जाता जो मैंने प्रारंभ में बात कही। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने बात को बड़ी कड़ी घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करके परीक्षा के पहले तब भी हमको वही दिखाई देते हैं, उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले के रूप में अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते रहते, स्कूल को भी क्या महत्व देते, ये भी हमको दिखाई देता। और ये वहां भी दिखाई देता जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और हमारे 20,000 ज्यादा बच्चे फंसे रहते हैं, तो शासन का संचालन उतनी कठिनाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी संचालन कैसे करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना हथियार डालती है, 3 दिन युद्ध रुकता और हमारे सारे बच्चे निकल करके हमारे साथ, ये उदाहरण हम सबको है।
एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है, बहुत पवित्र उद्देश्य आप लेके चल रहे हो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो, जिसके जीवन में शिक्षा की जरा सा भी गुंजाइश है वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की सुन रहे थे आप, जहां भोपाल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्षेत्रीय कार्यशाला है, ड्रॉपआउट ले चुके बच्चों की वापसी पर चर्चा की गई और इस ड्रॉपआउट को कैसे कम किया जाए इस पर चर्चा की गई है।